उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईडी की आड़ में जांच के नाम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का उत्पीड़न कर रही है, जिसमें पूर्व में राहुल गांधी और वर्तमान में सोनिया गांधी को जांच के लिए राजनीतिक द्वेष के कारण बुलाया जा रहा है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में धरना दिया। इसके साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति को जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की गई। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, उसके खिलाफ हमारा आज एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, जिसमें कि हमने सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया, उनके खिलाफ आज हमारा ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को और अन्य तमाम नेताओं को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती जो है एजेंसियों का प्रयोग करके डराया और धमकाया जा रहा है, जबकि सबूत कोई भी नहीं है।